एक अपराधी जो 23 साल की उम्र में अपराधी होने की वजह से विधायक बन गया, जबकि विधायक के लिए उम्र चाहिए कम से कम 25 साल। एक नेता जिसे इलाके के लोग साबू AK-47 कहते थे, जो बोलने में विनम्र था, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का जहीन तरीके से इस्तेमाल करता था। एक दुर्दांत अपराधी जो अपने विरोधियों को तेजाब से जलाकर मार देता था, जो अपने घर में जनता दरबार लगाता था और लोग उसके डर से नई कार तक नहीं खरीदते थे, जिसके लिए लोग नारे लगाते थे, वीर साहबू मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं Lallantop.com। ये कहानी है बिहार के सिवान से सांसद रहे शहाबुद्दीन की। 30 अक्टूबर 2018 को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की उम्र कैद का फैसला बरकरार रखा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब शहाबुद्दीन कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन जिस एक अपराधी से बिहार की पूरी सियासत तय होती थी, वो इतना बड़ा कैसे बन गया? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा बिहार के सिवान जिले में। 80 के दशक में बिहार का सिवान जिला 3 लोगों के लिए जाना जाता था। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सिविल सर्विसेज टॉपर आमिर सुभानी और ठग नटवरलाल। राजेंद्र प्रसाद सबके सिरमौर थे। आमिर उस समय मुसलमान समाज का चेहरा बने थे और नटवरलाल के किस्से मशहूर थे। उसी वक्त एक और लड़का अपनी जगह बना रहा था, नाम था शहाबुद्दीन। वो कम्युनिस्ट और BJP कार्यकर्ताओं के साथ खूनी मारपीट के चलते चर्चित हुआ था, इतना कि साबू AK-47 नाम ही पड़ गया। 1986 में हुसैनगंज थाने में इस पर पहली FIR दर्ज हुई थी। आज उसी थाने में ये ए लिस्ट हिस्ट्री सीटर है, मतलब वैसा अपराधी जिसका सुधार कभी नहीं हो सकता है। 80 के दशक में ही लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पक्की कर रहे थे। शहाबुद्दीन लालू के साथ हो लिया मात्र 23 की उम्र में। 1990 में विधायक बन गया। विधायक बनने के लिए 25 मिनिमम उम्र होती है। फिर ये अपराधी 2 बार विधायक बना और 4 बार सांसद। 1996 में केंद्रीय राज्य मंत्री बनते बनते रह गया, क्योंकि एक केस खुल गया था। वो तो हो गया, पर लालू को जिताने के लिए इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती थी। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था और लालू इसके लिए। इसी प्रेम में बिहार में अपहरण एक उद्योग बन गया। सैकड़ों लोगों का अपहरण हुआ। बिजनेसमैन राज्य छोड़कर के भाग गए, कोई आना नहीं चाहता था। इसी दौरान और भी कई अपराधी आए और गए, लेकिन शहाबुद्दीन बना रहा। शहाबुद्दीन जैसा कोई नहीं था, बोलने में विनम्र था, न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा, चश्मे, महंगे कपड़े और स्टाइल, और लालू का आशीर्वाद। बस इसके बाद तो इसके अपराधों की लिस्ट वोटर लिस्ट जितनी लंबी होती चली गई, इतनी लंबी कि जिनका कोई हिसाब नहीं है। जैसे सालों तक सिवान में डॉक्टर फीस के नाम पर सिर्फ 50 रुपये लेते थे, क्योंकि साहब यानी कि शहाबुद्दीन का ऑर्डर था। रात को 8 बजने से पहले लोग घर में घुस जाते थे, क्योंकि शहाबुद्दीन का डर था। लालू राज में सिवान जिले का विकास बस यहीं तक था। पर इन्हीं अपराधों ने शहाबुद्दीन को जनाधार भी दिया, उसे नेता बना दिया। वो अपने घर में जनता अदालत लगाने लगा। लोगों की समस्याएं मिनटों में निपटाई जाने लगीं। किसी का घर किसी ने हड़प लिया, साहब का इशारा आता था, अगली सुबह वो आदमी खुद ही खाली कर चला जाता। साहब डाइवोर्स प्रॉब्लम भी निपटाते थे, जमीन की लड़ाई में तो ये विशेषज्ञ थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि पीड़ित को पुलिस सलाह देती कि साहब के पास चले जाओ। एक दिन एक पुलिस वाला भी पहुंचा साहब के पास अपने प्रमोशन के लिए। एक फ़ोन गया और उसका प्रमोशन हो गया। जनता इन छोटे छोटे फायदों में इतना मशगूल हो गई कि इसके अपराधों की तरफ ध्यान देना भूल गई, या यूं कहें कि डर और थोड़े से फायदे ने दिमाग ही कुंद कर दिया। लोगों ने देखना बंद कर दिया कि इसने कितनी ज़मीनें हड़पी और कितने हथियार पाकिस्तान से मंगवाए। नतीजतन ये जीतता रहा। 1999 में इसने कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता को किडनैप कर लिया था। उस कार्यकर्ता का फिर कभी कुछ पता ही नहीं चला। इसी मामले में 2003 में शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा, पर इसने ऐसा जुगाड़ किया कि जेल के नाम पर ये हॉस्पिटल में रहता था, वहीं पंचायत लगाता। इसके आदमी गन लेकर खड़े रहते, पुलिस से लेकर हर व्यवसाय का आदमी इससे मदद मांगने आता। एक आदमी तो इसके लिए गिफ्ट में बंदूक तक लेकर आया था, और ये हॉस्पिटल कानूनी तौर पर जेल था। इसके जेल जाने के 8 महीने बाद 2004 में लोकसभा का चुनाव था। इस अपराधी को चुनाव प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, साहब का नाम ही काफ़ी था। वो वक्त था जब शहाबुद्दीन की फ़ोटो सिवान जिले की हर दुकान में टंगी होती थी, सम्मान में नहीं, डर के चलते। ओम प्रकाश यादव इसके खिलाफ चुनाव में खड़े हुए थे, वोट भी लाए। चुनाव खत्म होने के बाद उनके 8 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। ओम प्रकाश यादव को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। अगस्त 2004 में सिवान के प्रतापपुर गांव में सतीश और गिरीश रोशन ने रंगदारी देने से मना कर दिया। नतीजा, शहाबुद्दीन के आदमियों ने सतीश और गिरीश को बीच सड़क पर तेजाब से नहलाकर मार दिया। 2005 में सिवान के DM CK अनिल और SP रत्न संजय ने शहाबुद्दीन को सिवान जिले से तड़ीपार घोषित किया।
एक सांसद अपने जिले से तड़ीपार हुआ, ये बिहार के लिए एक अनोखा क्षण था। फिर इसके घर पर रेड पड़ी, पाकिस्तान में बने हथियार, बम सब मिले। ये भी सबूत मिला कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से इसके संबंध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूछा था कि सांसद होने के नाते तुम्हें वैसे हथियारों की जरूरत क्यों पड़ी है जो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के पास हैं, CRPF और पुलिस के पास भी नहीं है। इसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। इसको जेल जाना पड़ा, लेकिन इसे जेल भेजने में पुलिस के पसीने छूट गए। ऑर्डर निकलने के 3 महीने बाद तक ये दिल्ली के अपने घर में रहता था। बिहार और दिल्ली पुलिस की टुकड़ी जाती और वापस चली जाती। एक दिन बिहार पुलिस का एक दल बिना बताए गया और इसको उठा लिया। उसके बाद इसे जेल भेजा जा सका, लेकिन जेल जाने से भी इसका रुतबा कभी कम नहीं हुआ। इसने जेलर को धमकी दी कि तुमको तड़पा तड़पा के मारेंगे। सुनवाई पर इसका वकील जज को भी धमकी देकर आता था। इसके आदमी जेल के लोगों को धमकाते रहते थे। 2007 में कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में तोड़फोड़ करने के आरोप में इसको 2 साल की सजा हुई। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर की हत्या में इसे आजीवन कारावास की सजा हुई। सिर्फ एक गवाह था इस मामले का, उसने बड़ी हिम्मत दिखाई, किसी तरह बच कर रहा और इस अपराधी को जेल भिजवाने में कामयाब रहा। 1997 में JNU से एक छात्र नेता चंद्रशेखर गए थे नई राजनीति करने। लोग उनको चंदू कहते थे, लेकिन इसने उनको भी जान से मार दिया। उसके बाद से सिर्फ एक नेता ओम प्रकाश यादव ही लगे रहे। 2009 में शहाबुद्दीन को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ने से बैन कर दिया। तब इसकी पत्नी हिना को हराकर ओम प्रकाश सांसद बने और अब बिहार की राजनीति में ये बहुत पीछे चला गया। पर सीवान में नहीं, वहाँ पर जेल से ही इसके फैसले सुनाए जाते। कहते हैं कि जेल इसके लिए बस नाम भर की थी, सारे इंतजाम रहते। जब कोई हत्या हो जाती तो जेल में रेड पड़ती। एक अफसर के मुताबिक शहाबुद्दीन मुस्कुराता रहता, चुपचाप जेब से मोबाइल फ़ोन निकालकर पुलिस के हाथ में दे देता, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ था। 2014 का लोकसभा चुनाव, मोदी लहर चल रही थी, लेकिन बिहार में 2014 में ही शहाबुद्दीन फिर लोगों की जुबान पर आ गया। राजीव रंजन हत्याकांड में अपने दो भाइयों की हत्या के वो एकमात्र गवाह थे। उनके दो भाइयों को 2004 में तेजाब से नहलाकर मार दिया गया था, क्योंकि रंगदारी को लेकर इसके आदमियों और राजीव के भाइयों के बीच बहस हो गई थी। इन लोगों ने बंदूक दिखाई और राजीव के भाई ने तेजाब, दोनों भाई मारे गए। पुलिस ने कहा कि परिवार छोड़कर चले जाइए, और अब कोर्ट में पेशी से पहले राजीव को मार दिया गया। 2016 में एक पत्रकार राजदेव रंजन की भी हत्या कर दी गई, उसमें भी इसी का नाम आया। इन दो भाइयों की हत्या वाले मामले में सितंबर 2016 में कोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि इसकी उम्मीद भी थी। लालू और नीतीश ने मिलकर सरकार बनाई थी। 1300 गाड़ियों का काफिला लेकर जेल से चले शहाबुद्दीन। काफिला गुजर रहा था, टोल टैक्स वाले साइड में खड़े थे, उसी में कितने सारे और भी लोग पार हो गए वीर साहबों के साथ। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, लालू और नीतीश अलग हो गए, और इसी के साथ शहाबुद्दीन की जमानत भी खारिज हो गई। वो फिर जेल गया, और ऐसा गया कि अब वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी मुहर लगी है, सुप्रीम कोर्ट की मुहर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस SK कौल और जस्टिस KM जोसेफ की पीठ ने 2004 में हुए दोहरे कत्ल के मामले में शहाबुद्दीन की उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी है। ये थी बिहार के माफिया डॉन शहाबुद्दीन की पूरी कहानी। अगर आप इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ गया है, इसको डाउनलोड करिए। सुनते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए thelallantop.com। शुक्रिया।